हेलो बच्चों, दिस इज रेजी झा एंड वेलकम टू नोवोरियम क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशंस के ऊपर होने वाली है। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशंस। ठीक है, ये जो हमारा बैच है जिसमें हम ये क्लास पढ़ रहे हैं वो हमारा लक्ष्य बैच है। आज हमारे लक्ष्य बैच की फर्स्ट क्लास होने वाली है। ये बैच किन के लिए है? जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताती हूँ, ये बैच उन बच्चों के लिए है जो कि नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2024 में एग्जाम देंगे। ठीक है, क्लास 8th में है अभी और क्लास 9th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए बैच होने वाला है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, यूट्यूब पे ही पूरा चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 to 7 months में आपका सिलेबस यहाँ इस बैच में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस बैच में आपको और क्या क्या मिलने वाला है? इस बैच में आपको प्रैक्टिस सीरीज मिलने वाली है जो हर 2 चैप्टर के बाद आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस सीरीज मिलने वाली है जहाँ पे हम एग्जाम लेवल क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एग्जाम लेवल क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा इस बैच में आपको डाउट क्लासेस मिलने वाली है। अगर आपके कोई डाउट है और वो मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगी तो आपको डाउट क्लासेस भी मिलेंगी यहाँ पे। उसके अलावा आपको पीडीएफ भी मिल रहा है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ भी एकदम फ्री मिल रहा है, लेकिन कहाँ से मिलेगा उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप कहाँ है हमारा? टेलीग्राम ग्रुप जो है वो हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहां से सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। हर क्लास के बाद जो पीडीएफ है वो मैं वहां ड्रॉप कर देती हूँ जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे लक्ष्य बैच की पहली क्लास में, जो कि हमारा होने वाला नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशंस के बारे में। पढ़ते हैं, देखते हैं फटाफट से क्या क्या है। पहला स्लाइड क्या है हमारा, देखिए सबसे पहला जो स्लाइड है हमारा वो किसके ऊपर होने वाला है? डिजिट्स और न्यूमरेशन सिस्टम के ऊपर होने वाला है। न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है आपने एक पढ़ा होगा पहले, पर हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक को रिवाइज करेंगे। यहाँ पे मैं आपको करवाने क्या वाली हूँ, ये पढ़ाने का मतलब क्या है? ये पढ़ाने का मतलब है कि आपका जो बेसिक है उसका रिविजन हो जाए आपका वापस से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले डिजिट्स यानी कि अंक। डिजिट्स क्या होते हैं? डिजिट्स एक हिसाब से सिंबल है। क्या है? सिंबल है। कौन सा सिंबल? मैथमेटिकल सिंबल। ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 10 सिंबल्स हैं, 10 सिंबल्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? कौन से वर्ड का यूज करते हैं? डिजिट्स का। ठीक है, डिजिट्स का यूज करते हैं। अब बात करते हैं न्यूमरेशन सिस्टम के ऊपर। न्यूमरेशन सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है? तो जो न्यूमरेशन सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक टाइप होता है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। एक टाइप क्या होता है? एक टाइप होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, और एक टाइप क्या होता है? एक होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, दोनों में क्या अंतर है, क्या यूज है, क्या अंतर है, वो हम देखने वाले हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, चलिए सबसे पहले देखते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, भारतीय संख्या प्रणाली। ठीक है, भारतीय संख्या प्रणाली जो होती है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जिसको हम बोल रहे हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है तो आपको समझने में आसानी होगी, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? ये बेस्ड है हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम पे। किसके ऊपर बेस्ड है ये? ये बेस्ड है हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम पे। और ये जो हिंदू अरेबिक सिस्टम है इसको हम इंडो अरेबिक सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडो अरेबिक सिस्टम भी कहते हैं। और ये जो इंडो अरेबिक सिस्टम है इसका बेस जो होता है, इसका जो बेस होता है वो 10 होता है। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 डिजिट्स के ऊपर बनता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन 10 डिजिट के ऊपर काम करता है। बताता क्या है? बताता ये है कि किसी नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है, वे टू राइट अ नंबर। लिखोगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे किसी नंबर को, समझ में कैसे आएगा कि क्या पढ़ें?
ठीक है, रिप्रेजेंट अ नंबर और राइट अ नंबर, समझ में कैसे आएगा? तो देखो जैसे आपको कोई बड़ा सा नंबर दे रखा है 5, 31, 29, 2, 2, 8, 7, 1, ये दे रखा है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या कहता है कि हमें पहला जो कॉमा लगाना है, जो फर्स्ट कॉमा होगा वो होगा आफ्टर 3 डिजिट, आफ्टर 3 डिजिट, वो क्या होगा आफ्टर 3 डिजिट होगा पहला कॉमा। मतलब पहला कॉमा कहाँ लगेगा? पहले 3 डिजिट के बाद, यहाँ पीछे से। फिर सेकंड कॉमा जो होगा, सेकंड कॉमा जो होगा वो होगा आफ्टर 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद, और आगे ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस, दो दो डिजिट के बाद यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो पहला कॉमा यहाँ लगा दिया, दूसरा कॉमा यहाँ आएगा 2 डिजिट के बाद, फिर तीसरा कॉमा यहाँ आएगा 2 डिजिट के बाद, और फिर चौथा कॉमा यहाँ आएगा 2 डिजिट के बाद। मतलब अगर इतना बड़ा नंबर दे दिया, और किसी नंबर से समझ लेते हैं, जैसे आपको नंबर दे दिया है 79, 87, 1, 2, 3 और 6, तो पहला कॉमा कहाँ आएगा? पहला कॉमा आएगा इस नंबर को, मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूँ ताकि आपको दिखे, 1, 2, 3, 6, पहला कॉमा यहाँ आएगा 3 डिजिट के बाद यहाँ, दूसरा कॉमा 2 डिजिट के बाद यहाँ, तीसरा कॉमा 2 डिजिट के बाद यहाँ, और आगे तो एक ही डिजिट है तो अब इससे आगे नहीं जाएगा। क्या करना है? पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा प्रोसेस, ठीक है? ये हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बताता है। चलते हैं हमारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की तरफ। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या तो आप इसको बोलोगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है? ये हमारे यहाँ नहीं चलता है, हम जो पढ़ते हैं उसमें ये नहीं चलता है, लेकिन हमें आना चाहिए, है ना? अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली ये कैसे बताता है, इसमें किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे कोई नंबर आपको दे दिया है 8, 9, 7, 4, 3, 5, 2, 1, 0, ये नंबर दे दिया। अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो पहला कॉमा आएगा, या पहला दूसरा, इसमें अलग अलग रूल नहीं है। इंडियन सिस्टम में क्या था? पहला 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, और फिर ऐसे ऐसे चल रहा था। यहाँ क्या होता है? यहाँ हमेशा 3 3 डिजिट के बाद ही लगता है, हमेशा 3 3 डिजिट के बाद ही लगेगा। मतलब पहला कॉमा आएगा यहाँ 3 डिजिट के बाद यहाँ, फिर दूसरा कॉमा 3 डिजिट के यहाँ बाद यहाँ, फिर क्या यहाँ भी कॉमा लगा दिया आगे? नहीं। अगर इसके आगे कॉमा लगा दिया, इसके आगे कोई नंबर है नहीं, है ना, कंटिन्यू नहीं है ना, इसलिए यहाँ नहीं लगेगा। तो ये नंबर ये हुआ। और एग्जाम्पल देख लो, और आपके पास कोई एग्जाम्पल दे रखा है 2, 1, 3, 5, 0, 1, 8, ये दे रखा है। पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद यहाँ 0 के बाद, दूसरा कॉमा 3 डिजिट के बाद ये यहाँ, तो नंबर बन गया 2, 1, 3, 5, 0, 1, 8, ये नंबर बन गया। और एग्जाम्पल देखो, आपको नंबर दे रखा है मान लो 5, 4, 8, 2, 1, 3, 6, 1, तो आप कैसे लगाओगे बताओ? पहला कॉमा लगेगा कहाँ? 3, 6, 1 लिख दिया, पहला कॉमा लगेगा यहाँ, दूसरा कॉमा लगेगा 8, 2, 1 लिख दिया यहाँ, और इसके आगे दो ही डिजिट है, तो अब कॉमा नहीं लगेगा, ये आंसर आएगा, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए था, ये आपका बेसिक है, आपने ये सब 6th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 5th में पढ़ा होगा, बहुत बेसिक चीज है ये, बस रिवीजन के लिए था। चलते हैं आगे, देखो अब हम देखने वाले नंबर्स। नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? आपने बहुत सारे टाइप्स पढ़े होंगे नंबर्स, ठीक है? तो यहाँ पे भी हम वही पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है? चलिए देखिए, सबसे पहला आपको दे रखा है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? जो कि 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर आगे तक, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोल सकते हो आप इसको, एंडलेस बोल सकते हो, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। सेकेंड है हमारा होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। नाम से आपको याद रखना है पूर्ण, हिंदी में, इंग्लिश में वर्ड आ रहा है होल। होल का मतलब ही क्या होता है? अपने आप में, कंप्लीट, है ना, पूर्ण, पूरा है जो। पूरा कब होगा? ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, इसमें अभी एक कमी है। क्या कमी है? इसमें 0 नहीं है, तो 0 ऐड कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर इनफाइनाइट तक तो जो नंबर जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स,
है ना। चलते हैं आगे, देखो इवन नंबर क्या होते हैं तो आपको पता है, विच इज डिविजिबल बाय टू, विच इज डिविजिबल बाय टू, उनको हम बोलते हैं इवन नंबर, या फिर जिसका लास्ट डिजिट जो है वो एंड होता है, लास्ट डिजिट एंड्स विथ, किसके साथ एंड होता है, 0 के साथ, 2 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ, 8 के साथ, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, 168 है, 32 है, 21940 है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने मन से ले सकते हो, 58 है, ठीक है, 94 है, 6315318 है। ऑड नंबर क्या होता है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सॉरी 2, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। लास्ट के क्या आता है, इसका लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, लास्ट डिजिट एंड्स विथ 1, 3, 5, 7, 9, इनके साथ लास्ट डिजिट एंड होगी। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकता है 169, 123, 35, और ये तो आपको पता ही है, 1, 3, 5, 7, 9, ये तो ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, 11, 13, 15, 17, 19 और ऐसे करके आगे तक। ठीक है, चलते हैं आगे, देखिए इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक। अब पूर्ण तो कब हुई थी संख्या, पूर्ण संख्या तब हुई थी जब उसमें 0 ऐड कर दिया था हमने, है ना, होल नंबर, होल नंबर कब हुआ था, जब उसमें 0 ऐड कर दिया। अब इसको पूर्ण से क्या बनाना है, पूर्णांक बनाना है, तो ये कब होगा, ये तब होगा जब इसमें जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो आ जाए, ठीक है, नेगेटिव नंबर आ जाए, पॉजिटिव नंबर आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए, और क्या आ जाए, और 0 आ जाए। ठीक है, मतलब कि अगर एक नंबर लाइन से मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूं, तो बीच में आया 0, इधर आया 1, 2, 3, 4, 5 और इनफाइनाइट तक, इधर आया -1, -2, -3, -4, -5 और ये भी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये जब सारे नंबर्स जो हैं वो आपस में एक साथ हो जाते हैं, कौन सारे नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए इनफाइनाइट तक, नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4, -5 ये, और 0 भी आ गया साथ में, तो इन जब ये सारे मिल जाते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स या फिर पूर्णांक। ठीक है, चलते हैं आगे, देखिए क्या है आगे आपको देखा है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले प्राइम नंबर जो होता है, कुछ बच्चों को लगता है प्राइम नंबर का मतलब ऑड नंबर, तो ऑड नंबर ये नहीं होते हैं, ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, अभाज्य, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, अभाज्य, अभाज्य का मतलब हुआ नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है, तो क्या किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, क्या नहीं होगा, डिवाइड तो होगा पर किससे होगा, ओनली डिविजिबल बाय 1, या तो 1 से होगा, एंड इटसेल्फ, या फिर खुद से होगा, या तो 1 से या खुद से, या ये दो ही चीज से डिवाइड जा सकता है, या तो एक से जाएगा या खुद से जाएगा, तब उस नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, एग्जांपल हो सकता है 2 से स्टार्ट होता है, 2 होता है, क्यों होता है 2, क्योंकि 2 में 1 से डिवाइड जाता है और खुद से जाता है। अब नोटिस करना ही चीज, 3 भी होता है प्राइम नंबर, क्योंकि 3 में 1 से डिवाइड जाता है और खुद से डिवाइड जाता है, 4 नहीं होता। अब 4 क्यों नहीं होता ये जानना ज्यादा जरूरी है, 4 इसलिए नहीं होता क्योंकि 4 में 1 से डिवाइड जाता है, 4 में 2 से डिवाइड जाता है और 4 में 4 से डिवाइड जाता है। 1 से तो चला गया, अच्छी बात है, 4 से चला गया, अच्छी बात है, पर 2 से क्यों गया, 2 से तो हमें चाहिए ही नहीं था, ये तो हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, 2 से नहीं चाहिए था हमें। उसके बाद 5 होता है, क्यों
क्यों होता है 5? क्योंकि 5 में 1 से डिवाइड जाता है और खुद से डिवाइड जाता है, तो ये तो हो गया। 6 नहीं होता, क्यों नहीं होता? 6 में 1 से डिवाइड जाएगा, 2 से डिवाइड जाएगा, 3 से डिवाइड जाएगा और 6 से डिवाइड जाएगा। अब 1 से जा रहा है अच्छी बात है, खुद से जा रहा है अच्छी बात है, पर 2 और 3 से क्यों जा रहा है ये नहीं चाहिए था। 7 होता है, अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्यों बोल रही हूँ 7 होता है। 9, 8 भी नहीं होता, 8 भी नहीं होता और 9 भी नहीं होता। अब 9 क्यों नहीं होता? क्योंकि 9 में 1 से डिवाइड जाता है, 3 से डिवाइड जाता है और 9 से भी डिवाइड जाता है। तो 1 से जा रहा है, 9 से जा रहा है, तो ठीक है, पर 3 कहाँ से आ गया बीच में? ठीक है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है, 15 नहीं होता है, 17 होता है, 19 होता है, ये सारे क्या होता है? प्राइम नंबर होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, सबसे पहले तो बच्चे इसको प्राइम वर्ड से, प्राइम नंबर से रिलेट कर लेते हैं। तो प्राइम नंबर से डायरेक्टली इसका कोई रिलेशन है? प्राइम नंबर से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है? नाम से पता चल रहा है क्या है ये? सह अभाज्य संख्या है। अच्छा, सह वर्ड जो होता है वो हमें क्या बताता है? सह वर्ड हमें क्या बताता है? सह वर्ड हमें ये बता रहा है कि ये पेयर में होंगे। किसमें होंगे? पेयर में होंगे। चलिए, पेयर में होंगे। उसके बाद पेयर में होंगे ये तो ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं थी, पेयर में होंगी ये। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये दो ऐसे नंबर है जिनका एचसीएफ क्या होता है? दो नंबर जिनका एचसीएफ, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, कितना आता है एचसीएफ? कितना आता है एचसीएफ? हमेशा 1 आता है, एक आता है। एच सी एफ 1 होना चाहिए, दोनों के बीच में कॉमन 1 होना चाहिए। अब देख लेते हैं कोई नंबर्स, जैसे कि आपके पास नंबर है, आपके पास नंबर है 9 और 11। तो 9 में किस किस से डिवाइड जाता है? 9 में 1 से डिवाइड जाएगा, 3 से डिवाइड जाएगा और 9 से डिवाइड जाएगा। 11 में किस किस से डिवाइड जाएगा? 11 में 1 से डिवाइड जाएगा और 11 से डिवाइड जाएगा। अब क्या कॉमन आ रहा है? 3 आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा, उधर तो नहीं है 3। 9 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, वो भी उधर नहीं है। 11 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, वो भी उधर नहीं है। सिर्फ 1 कॉमन है दोनों जगह, तो इसका मतलब ये नंबर कैसे नंबर है? ये 9 और 11 कैसा नंबर है? को प्राइम नंबर है। और एग्जाम्पल देख लो आप, आपके पास एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको दे दिया 31 और आपको 37, ये दो नंबर्स है। अब 31 में भी सिर्फ 1 से डिवाइड जाता है और 31 से डिवाइड जाता है, और 37 में भी 1 से डिवाइड जाता है और 37 से डिवाइड जाता है, वापस से 1 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये 31 और 37 भी कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। छोटे नंबर्स भी ले सकते हो आप, 4 और 5। 4 का क्या क्या होता है आपको, किस किस से डिवाइड जाता है? 4 में 1 से डिवाइड जाता है, 2 से डिवाइड जाता है और 4 से डिवाइड जाता है, 1 से, 2 से और 4 से। 5 में किस किस से जाता है? 5 में 1 से जाता है और 5 से जाता है। देखो, 2 कॉमन है क्या? नहीं है। 4 कॉमन है क्या? नहीं है। 5 कॉमन है क्या? नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो ये 4 और 5 भी कैसे नंबर हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। और नंबर देख लीजिए आप, आपके पास एक नंबर है 7 और एक नंबर है 9। 7 में 1 से डिवाइड जाएगा और 7 से डिवाइड जाएगा, 9 में 1 से डिवाइड जाएगा, 3 से डिवाइड जाएगा और 9 से डिवाइड जाएगा। अब बताओ, 7 कॉमन है क्या? नहीं है। 3 कॉमन है क्या? नहीं है। 9 कॉमन है क्या? नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। इसका मतलब 7 और 9 भी कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ऐसा का ऐसा लिखा हुआ, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझिए। चलिए आगे हमें देखा है कंपोजिट नंबर। अब इसके भी नाम से पता चल रहा है, इसके नाम में ही लिखा हुआ है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब विच इज डिविजिबल या इजिली डिविजिबल, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या है। अब कौन कौन सी होती है, जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लो 2 प्राइम नंबर, ये तो आपको पता है, तो ये कंपोजिट नहीं है, है ना? या कंपोजिट है भी, क्यों नहीं है? लेकिन कंपोजिट का रूल क्या होता है? एग्जाम्पल बताने से पहले मैं बताती हूँ, कंपोजिट का रूल क्या होता है, जिसमें विच इज डिविजिबल बाय 1, एक से भी भाग जाना चाहिए, खुद से भी जाना चाहिए और बाकी के नंबर्स, बाकी किसी नंबर से भी जाना चाहिए, बाकी किसी नंबर से भी जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? डिवाइड, डिवाइड की बात करते हैं।
है ना, डिवाइड की बात हो रही है, विच इज डिविजिबल बाय वन इटसेल्फ एंड सम अदर नंबर्स, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। एग्जाम्पल अब देखो, इसकी दो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि दो में सिर्फ एक से डिवाइड जाता है और दो से डिवाइड जाता है, वन से जा रहा है और खुद से जा रहा है, हमें तो और भी नंबर चाहिए ना। थ्री नहीं हो सकता, फोर हो सकता है, तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, फोर है कंपोजिट नंबर। कैसे है? वन से जा रहा है, खुद से जा रहा है और टू से भी जा रहा है, वन से जा रहा है, खुद से जा रहा है और बाकी नंबर से भी जा रहा है, तो हो गया फोर कंपोजिट नंबर। फिर सिक्स होता है, सिक्स में वन से डिवाइड चला जाएगा, टू से डिवाइड चला जाएगा, थ्री से डिवाइड चला जाएगा और सिक्स से भी डिवाइड चला जाएगा, वन से जा रहा है, खुद से जा रहा है, बाकी नंबर से भी जा रहा है, इसलिए सिक्स भी कैसा नंबर होता है? कंपोजिट नंबर होता है। और कौन सा नंबर होता है? और बहुत सारे नंबर होते हैं, एट देखो, एट भी कंपोजिट नंबर है, वन से डिवाइड चला जाएगा, टू से डिवाइड चला जाएगा, फोर से डिवाइड चला जाएगा और एट से भी डिवाइड चला जाएगा, वन से जा रहा है, खुद से जा रहा है, ठीक है, पर देखो टू से भी जा रहा है, फोर से भी जा रहा है ना, और नंबर से भी जा रहा है, तो एट भी है। 36 जैसे एक नंबर आपको दे रखा है, 36 में आपका वन से डिवाइड चला जाता है, टू से डिवाइड चला जाता है, थ्री से डिवाइड चला जाता है, फोर से डिवाइड चला जाता है, सिक्स से डिवाइड चला जाता है, नाइन से डिवाइड चला जाता है आपका, 12 से डिवाइड चला जाता है और 36 खुद से भी चला जाता है। तो अब वन से जा रहा है, खुद से जा रहा है, पर बाकी कितने सारे और नंबर से जा रहा है, तो ये सारे नंबर कौन से होते हैं हमारे? यही सारे नंबर होते हैं हमारे कॉम्पोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्याएं। ठीक है, चलते हैं आगे इसी के साथ। रेशनल नंबर जो आपका टॉपिक है, सिलेबस है, वो भी आपको दिया हुआ है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस जो आपके होते हैं वो, और आपका रेशनल नंबर काफी हद तक सिमिलर होते हैं। ठीक है, काफी हद तक सिमिलर होते हैं, सिर्फ एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, क्या? कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों ही ऐसे ही लिखे जाते हैं, पी बाई क्यू। अब जैसे कि 2/3 है, ये 2 है P और ये 3 है Q, तो P/Q की फॉर्मेट में हो गया ना, ये तो फ्रैक्शन भी है, 2/3 क्या है? फ्रैक्शन भी है और ये रेशनल नंबर भी है ना। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि P/Q ये फर्स्ट कंडीशन है, ये पहली शर्त है रेशनल नंबर होने के लिए, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि Q, ये जो नीचे Q है, जिसको आप बोल सकते हो, क्यू को आप इंग्लिश में बोल दोगे डिनोमिनेटर और हिंदी में बोल दोगे हर। ये क्यू जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको दे दिया 9/0, ये नहीं हो सकता, आपको दे दिया 91/0, नहीं हो सकता, ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। फ्रैक्शन ऐसा हो सकता है एक बार, लेकिन रेशनल नंबर ऐसा नहीं हो सकता। रेशनल नंबर का दो ही वो है, दो ही कंडीशन है, पहली कंडीशन P/Q होना चाहिए और दूसरी कंडीशन जो नीचे है हर वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो 2/3 हो गया, 14/9 हो गया, 71/123 हो गया, ये सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं क्योंकि इनका नीचे जीरो नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या न्यूमरेटर हो सकता है? अंश हो सकता है क्या? जीरो, न्यूमरेटर या अंश जीरो हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, उसके जीरो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंश के जीरो होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कभी भी हर या डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तब हम उस नंबर को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका अलग से चैप्टर है रेशनल नंबर का, जब जैसे ही आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर एकदम डिटेल में। ठीक है, चलते हैं आगे। आपका चैप्टर जो है आज वाला वो खत्म हो जाता है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर, अभी इसकी कुछ और चीजें पढ़ेंगे, जैसे हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, वो भी रिवीजन के लिए ही होगा, बस शॉर्ट में मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन प्लस प्लस प्रैक्टिस भी रहेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन समझ में आता है क्वेश्चंस के थ्रू, क्वेश्चंस ही करेंगे, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। अभी तो मैंने आपको रेशनल नंबर बताया है सिर्फ क्या होता है, पर वहां डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने का मतलब क्या हुआ? डिटेल में पढ़ने का मतलब हुआ कि हम उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, वो प्रॉपर्टीज वर्क कैसे करती है वो भी पढ़ेंगे, मतलब उनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, है ना।
ठीक है, जो बच्चे नॉर्मली क्लास 8 में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जो 8 क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, उनका पूरा कोर्स ही एक हिसाब से हो रहा है, ठीक है, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो रहा है। और आपको सारे पीडीएफ आराम से मिल जाएंगे कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हो ज्वाइन कर लो फटाफट फटाफट, या आप किसी को जानते हो अपने नोन में जो तैयारी कर रहा है तो आप उसको बता दीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगले 6 मंथ्स में आपका जो है कोर्स मैं कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है, सारे पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेंगे पूरे कोर्स के, उसके लिए आपको कोई नोट्स उठाने की जरूरत नहीं है, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहां से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ा है वो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, स्कूल कोचिंग में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।